हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मैगी चाट, जो कि एक बहुत ही चटपटा रेसिपी है। बच्चों को ये बहुत ही बढ़िया लगेगा और बड़े को भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैगी चटपटा चाट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मैगी पैकेट लिया है, जो कि नॉर्मली जो मिलता है 10 या 15 रुपीज़ का मैगी, तो ये मैगी मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कढ़ाई लिया है, तो यहाँ पर अभी मैंने पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा जब उबलेगा फिर हम इसमें मैगी डालते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर मैगी का मसाला लिया है, मैंने मैगी का मसाला इसमें आधा डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे इस मैगी में और भी कुछ मसाला मिलाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हाफ मैगी मसाला डालती हूँ। और मैगी यहाँ पर लगभग हो गया है, इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैगी अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और अभी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सैजुइन चटनी जो होता है, मैं ये मैगी के साथ मिला लेती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जैसा टमाटो सॉस डाल रही हूँ इसके साथ, और इसके ऊपर अभी मैं प्याज डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा प्याज डाला है, और इसे मैगी के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। और इस मैगी को एक प्लेट पर अभी निकाल लेते हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा भुजिया डालते हैं। और मैंने यहाँ पर लेज लिया है और कुरकुरे लिया है, तो अभी इसके ऊपर हम लेज डाल दिया है और थोड़ा सा कुरकुरे डाल देते हैं। और इसके ऊपर मैंने चॉप टमाटोज लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। और चॉप खीरा लिया है, इसे भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल लेते हैं। तो ये बन गया है चटपटा मैगी चाट। और अगर घर पे कोई बच्चे के बर्थडे पार्टी होता है तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।